नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द विलेज स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं कुलदीप सिंह पटेल आज आपको गाँव के किसान भाई या कहे अन्नदाता किस प्रकार से मेहनत एवं परिश्रम करते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मित्रों, फसल की बोनी करना एवं उसे बड़ा करना हर किसी के बस का काम नहीं है। यह काम केवल मेरे किसान भाई ही कर सकते हैं। मित्रों, अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर राज्य के किसान भाई अपने अपने राज्यों के वातावरण के अनुसार अपने अपने खेतों में अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही मैं आज मेरे खेत में आया हूं, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यहां पर कपास की फसल लगाई गई है। कपास का उत्पादन करने के लिए यहां पर जो फसल लगाई गई है उसमें मेरे पिताजी किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा। मित्रों, चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश होने के बाद यहाँ पर चारा बहुत हो गया है, इसलिए इस चारे को निकालने के लिए यहाँ पर ये प्रयास जारी है। दोस्तों, इसे भी चलाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि ये जो आप आइट साइड में जो पौधे देख रहे हैं इनको बचाना बहुत जरूरी है। ये देखिए मित्रों, आप देख रहे हैं ये काफी मेहनती काम है, ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसे करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है एवं कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये देखिए इतना चारा आ गया है इसमें। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं पूरा खेत, इस पूरे खेत में इसे चलाया गया है। ये देखिए, ये कपास है। ये देखिए दोस्तों, मित्रों, जब एक किसान भाई जब किसी फसल के बीज को लगाते हैं तो उस बीज को लगाने के बाद जो मेहनत होती है वह काफी कठिन एवं, क्योंकि उस फसल को बड़ा करना ये देखिए। दोस्तों, उस फसल को बड़े करने में भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को, मौसम के अनुसार, क्योंकि ज्यादा अधिक बारिश हो जाती है तो ये फसल खराब भी हो सकती है। ये देखिए जो आप दोस्तों ये कपास देख रहे हैं, छोटा सा पौधा, ये कम से कम 5 से 7-6 फीट हाइट लेता है, इसके बाद इसमें फल आता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसे लाइन से चलाना पड़ता है, आप देख रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो जो कपास लगाया गया है वो उखड़ भी सकता है। ये देखिए दोस्तों, आज सुबह से लेकर ये
शाम तक इन्होंने इतना कर दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इतना बचा हुआ है। ये सुबह से कर रहे हैं इस खेत को, ये देखिए। काफी मेहनत करते हैं दोस्तों। ये देखिए, बेलों को भी एडजस्ट करके चलना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, उनको भी जमा कर चलना पड़ता है, नहीं तो वो पौधे पर पाँव रख दें, पौधा खराब हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए चारा कितना बड़ा हो गया, ये निकल रहा है चारा, ये देख रहे हैं आप। ये मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दिखाया गया एक छोटा सा दृश्य आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल द विलेज स्टाइल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो डालूं तो आप तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।